इस साल पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। फिल्म को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब पसंद किया गया। बीते दिनों इस तरह की चर्चा थी कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट भारत में रिलीज हो सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के नेता अमित खोपकर ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में जो पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को देखेगा वह देशद्रोही होगा। लेकिन अब इस पाकिस्तानी फिल्म को भारत में रिलीज करने का फैसला किया गया है। इस बात की जानकारी थिएटर चैन आइनॉक्स के अधिकारी ने दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र सिंह जाला ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह फिल्म इस शुक्रवार यानी 30 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 10 साल बाद कोई पाकिस्तानी फिल्म भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में रिलीज को लेकर राजेंद्र सिंह जाला ने कहा है कि इस फिल्म को पंजाब और दिल्ली के कुछ सिनेमाघरों में आईनॉक्स में दिखाया जाएगा जहां पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट इस साल 13 अक्टूबर को पाकिस्तानी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अपने देश में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म में फवाद खान और माहिरा खान मुख्य भूमिका में हैं। इनके अलावा फिल्म में हमजा अब्बासी, हुमैमा मलिक, गौहर रशीद, शमून अब्बासी, अली अजमत और अदनान जाफर भी फिल्म का हिस्सा हैं।